शहडोल संभाग के सबसे बड़ी सब्जी मंडी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का खुलकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। लॉकडाउन लगने के बाद भी बुढ़ार सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले दुकानदारों और सब्जी लेने आए लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो बिना मास्क लगाए भी नजर आए। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में लॉकडाउन लगाया है, साथ ही लोगों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश देने के साथ साथ पालन करने की अपील भी की जा रही है। इसके बावजूद लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही एक नज़ारा जिले की सब्जी मंडी बुढ़ार में देखने को मिली, जहां लोगों के बीच सब्जी लेने की होड़ मची थी। लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई और कुछ लोग बिना मास्क के भी नजर आए। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जिले के व्यापारियों के साथ साथ जैसी नगर के व्यापारियों की एक बैठक ली, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि केवल थोक विक्रेता ही सब्जी मंडी जाकर सब्जी की खरीद कर सकेंगे और फुटकर सब्जी विक्रेता फेरी लगाकर सब्जी बेचेंगे। मंडी में जाने की ना तो फुटकर विक्रेताओं को ना ही आम आदमी को अनुमति होगी, साथ ही मंडी को वन वे किया गया है। ग्रामीण भारत न्यूज के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। में मतलब हम लोगों ने चर्चा किया तो उन्हें बैठ करके हम लोगों को ये गाइडलाइन दिया कि आप लोग 10 बजे तक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भीड़ भाड़ मत करिए, सेंट्राइज करते रहिए, लोगों को दूरी बना करके 10 बजे तक आप लोग व्यापार करिए। और उन्हें एक और सुझाव वन वे ट्रैफिक करने के लिए कि ताकि कोई भीड़ भाड़ ना हो और आप लोग मतलब आगे से व्यापार कर सके, किसी तरह का कोई पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी जब तक मतलब 10-11 बजे तक। इस तरह से उनका सुझाव अच्छा था। सब्जी मंडी में कोरोना कर्फ्यू के दौरान, कोरोना लॉकडाउन के दौरान कुछ अव्यवस्था थी, जिसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्राप्त हुई थी। आज हम लोगों ने इसका औचक निरीक्षण किया है और हमारे सभी अधिकारी साथ में थे, DSP सोनाली, DSP सचिन, TI कोतवाली, और हम लोगों ने नगर पालिका के अमले को भी आज बुलवाया है और इनकी सब्जी मंडी की आढ़तियों की मीटिंग भी करी है। और इस मीटिंग की भी हम लोग इनको किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बेच पाएँ, इसके संबंध में आज व्यापारियों से चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ की व्यवस्था में क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए व्यापारियों को। इनकी जो कोई विशेष बात नहीं है, विशेष बात ये है कि जो इनके दिमाग में ये है कि हमको व्यापार करना है तो थोक का कैसे करना है, फुटकर का कैसे करना है, इस संबंध में इनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वो सब इनको बता दिया। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।